मुख्यमंत्री मोहन यादव की भिंड में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई। यात्रा में जगह जगह उनका स्वागत किया गया। इस यात्रा के बाद मोहन यादव ने 68 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इसके साथ ही किसान कल्याण योजना में 80 से अधिक किसानों को 1816 करोड़ रुपए और फसल बीमा योजना खरीफ 13 में 25 लाख से अधिक किसानों को 755 करोड़ रुपए का अंतरण किया। वही सीएम यादव ने एमजेएस ग्राउंड में सहकारिता एवं किसान सम्मेलन में सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि आने वाले समय में भिंड के कॉलेज में कृषि की पढ़ाई भी कराई जाएगी। अभी कृषि कॉलेज की बात है, ये आपके यहाँ से ये भिंड में कृषि कॉलेज होना चाहिए। हमने अपने विश्वविद्यालय के अंदर वो कॉलेज के जमाने गए जब कृषि कॉलेज अलग से खोला जाए। सामान्य विश्वविद्यालय में भी अब एग्रीकल्चर की पढ़ाई हमारी सरकार कराएगी। जोरदार अभिनंदन करो। आने वाले समय में भिंड में कृषि के बच्चों को बाहर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं, इसी कॉलेज में एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट खोला जाएगा। यहाँ के बच्चे यहीं पढ़ेंगे। आपने कहा कि गोरी सरोवर का कोई आपने सौंदर्यकरण का निर्णय बताया, मेरे को प्रस्ताव दिया। भिंड के अंदर गोरी सरोवर का संपूर्ण कायाकल्प करते हुए उसका विकास करा जाएगा। हमारी सरकार उसका विकास करेगी।